ये सेल्टोस के टॉप मॉडल की GT 10 की हेडलैम्प। अब इस हेडलैम्प को हमने गाड़ी में से हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? बहुत लोग क्या करते हैं कि बेस मॉडल से टॉप मॉडल बनाने के लिए ये वाली हेडलैम्प लगाते हैं, जिसमें आपका LED आती थी लो बीम और हाई बीम पे, और यहाँ पे जलता है आपका इंडिकेटर। और सेकेंड टॉप मॉडल में क्या होता है, जो GT 10 से नीचे की आती है, यहाँ पर उसका प्रोजेक्टर लैम्प लग के आता है, ठीक है, और ऊपर इंडिकेटर जलते हैं कोने पर। अब इन्होंने क्या करा है, पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपनी बेस मॉडल की हेडलैम्प हटा के टॉप मॉडल की लगाई है, लेकिन इन जनाब भाई साहब ने क्या करा, टॉप मॉडल GT 10 की हेडलैम्प, जो कि GT 10 गाड़ी आती है, उसकी लाइट ये हटा के इसमें लगाया प्रोजेक्टर वाला सेकंड टॉप की। अब देख लो, क्योंकि कारण ये था कि उनको ना इसमें पावर विजिबिलिटी पूरी नहीं मिल रही थी। ये जलती है आपकी हाई बीम, ये जलती है आपकी लो बीम, क्योंकि LED की पावर थोड़ी इतनी कोई खास नहीं है, आप कभी भी नोट कर लेना, क्योंकि आजकल की जो लाइट आ रही है उसमें LED ही लग के आ रही है। तो हमने क्या करा कि इस लाइट को बिना छेड़े कुछ करे ये पूरी लाइट हमने रिप्लेस करके हटा दी, और कंपनी के जो सेकंड टॉप के मॉडल लाइट आती है, जो कि आपकी GT 10 से नीचे के मॉडल में आती लग के, वो हमने इस गाड़ी में लगा दी थी ये लाइट हटा के। और उसके बाद भी कस्टमर को मज़ा नहीं आया था, उसके अंदर हमने कंपनी का ओरिजिनल प्रोजेक्टर लैंप हटा के अपने प्रोजेक्टर लगाए थे ओजूम के। पावर विजिबिलिटी इतनी बढ़ गई कि समझ लो कि आपका 80 सेल्टोस है, इसके अंदर हेडलैम्प टॉप मॉडल की अगर बेस लगाएंगे तो प्रॉब्लम आती है, या फिर बेस से टॉप मॉडल में कन्वर्ट करते हैं हेडलैम्प लगाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। आता है, पर इसके अंदर हमें एक वायरिंग इंटरफेयर करनी पड़ती है हेडलैम्प अपग्रेड करने से पहले। आपका 80% उसका थ्रो बढ़ गया था, कस्टमर को मज़ा आ गया, दोबारा नहीं आया। और इस टाइप की हेडलैम्प आपको बाहर जल्दी नहीं मिलती, वो भी ओरिजिनल, हमने ओरिजिनल लाइट हटा दिया है। अगर किसी भाई को चाहिए तो बता देना, ज़रूर मिल जाएगी लाइट। एक बार और दिखा दूँ, एक बार आप ये भी नोट करना, ये सिल्वर है, सिल्वर दिखाई दे रहा होगा आपको ये पैटर्न, दिखाता हूँ एक बार और, ये सिल्वर दिखाई दे रहा होगा इसका। GT 10 में आता क्रोम, ये भी क्रोम आता है। हमने क्या करा था कि क्रोम जो इसका था टॉप मॉडल की जो हेडलैम्प का था, यहाँ का क्रोम निकाल के आपका सेकंड टॉप प्रोजेक्टर वाले में लगा दिया, और उसके इसमें लगा दिया हमने, बस इस चीज़ का फ़र्क अब इसमें रह गया इसमें, बाकी हेडलैम्प टॉप मॉडल की है। और इसका ओवरऑल व्यू दिखा दूँ इसका, देख लो एक बार, मतलब कि टॉप मॉडल की जो हेडलैम्प अपग्रेड की थी हमने, इसे हटा के प्रोजेक्टर लैम्प वाली हेडलैम्प लगाई थी, वो पहली बार इंडिया में हुई है। हमने स्कॉर्पियो भी कर दी है, एंड जो आई है नई वाली लेटेस्ट, उसमें भी प्रोजेक्टर लैम्प लगा दिया है। अगर किसी को लगवाने की ज़रूरत पड़े तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। अगर किसी भाई को कोई भी गाड़ी हेडलैम्प चाहिए तो वो भी बता सकते हो। मैं आपको दिखाया था उसका पीछे का कैसा है,
जी देखो, देख सकते हो।